जनपद में शादी समारोह का ठेका लेने वाले इवेंट कंपनी भोले भाले लोगों को लाखों रुपए हड़प कर अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। कुछ समय से जिले में इवेंट कंपनी के नाम से गैंग बनाकर शातिर युवक ठगी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जैत थाना क्षेत्र में प्रकाश में आया है, जहां दिल्ली की एक पार्टी से इवेंट कंपनी के लोग शादी कराने के लिए करीब 13 लाख रुपए हड़प कर फरार हो गए। पीड़िता की तहरीर पर 5 माह बाद एसएसपी के आदेश पर इवेंट कंपनी के मैनेजर और 2 शातिर महिला सहित 7 लोगों के खिलाफ जैत थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। बताया जाता है कि शिवांगी गोयल पुत्री राकेश गोयल मूल निवासी जैत हाल निवासी डेरा मंडी जानवी मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली ने अपनी छोटी बहन सोनाक्षी गुप्ता की शादी के लिए 11 दिसंबर 2021 को बीएसए कॉलेज के समीप शुभ मंगलम वेडिंग्स होटल कृष्णा ग्रीन्स के मैनेजर संतोष शर्मा से बात की। शिवांगी गोयल ने बताया कि जब मैनेजर संतोष शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारा इवेंट कंपनी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें शादियां कराने का पूरा ठेका लिया जाता है। कंपनी चलाने के लिए उसकी पत्नी कंचन हरिमोहन व उसकी पत्नी ओमवती यतेंद्र व पार्टनर भुवनेश कार्य करते हैं। मैनेजर ने मथुरा और वृंदावन में कई विवाह स्थल दिखाए जिसमें वृंदावन नगर का वृंदावन कॉटेज इन्फिनिटी उनको पसंद आया, जिसके मैनेजर तनुज से उनकी बात कराई गई। तनुज से प्री वेडिंग शादी का ठेका 13,11,307 रुपए में तय हुआ था। पीड़िता ने बुकिंग के तौर पर शुभ मंगल वेडिंग्स के अकाउंट में 4,03,890 रुपए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सागरपुर से ऑनलाइन जमा किए थे। जब 7 दिसंबर 2021 को विवाह स्थल पर पहुंचे तो शादी की तैयारी धीरे धीरे चल रही थी। तब पीड़िता ने संतोष शर्मा से कहा कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने सभी व्यवस्थाएं जल्दी होने का आश्वासन देकर बोल दिया। 11 दिसंबर को शादी वाले दिन नाश्ते और खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं हुआ, तो पीड़िता ने संतोष शर्मा और उसके साथियों को तलाश किया तो इन लोगों में से उन्हें कोई नहीं मिला। इन लोगों के फोन भी बंद थे और यह फरार हो गए। जब कोई सफलता नहीं मिली तो वृंदावन कॉटेज के मैनेजर तनुज से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि संतोष शर्मा ने उन्हें पूरे रुपए नहीं दिए। ये सुनकर पीड़िता के होश उड़ गए और अपनी इज्जत की खातिर अपने रिश्तेदारों से पैसा मांग मांग कर इकट्ठा कर मैनेजर को 9,60,000 रुपए दिए। पैसे न देने पर बारात वापस ले जाने की धमकी देने लगा। पीड़िता का आरोप है कि शुभ मंगल वेडिंग्स के पार्टनर संतोष, वृंदावन कॉटेज के मैनेजर तनुज ने अपने साथियों के साथ मिलकर 13,11,307 रुपए के फर्जी कागजात तैयार कर धोखाधड़ी से रुपए हड़प लिए हैं। शादी समारोह के बाद पीड़िता जैत थाने में 2 बार अपने साथ हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो तत्कालीन चौकी प्रभारी ने उसकी तहरीर लेकर रख ली और कोई कार्यवाही नहीं की। पीड़िता हार कर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर से मिली, अपने साथ हुई धोखाधड़ी की पूरी घटना सुनाई, जिस पर एसएसपी ने थाना प्रभारी को तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए। पीड़िता की तहरीर पर शुभ मंगलम वेडिंग्स के पार्टनर संतोष शर्मा, वृंदावन कॉटेज के मैनेजर तनुज, संतोष की पत्नी कंचन, हरिमोहन की पत्नी ओमवती, यतेंद्र, भुवनेश आदि के खिलाफ जैत थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है।